उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर को अंग्रेजी नहीं आने पर डीएम ने फटकार लगाई। वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बच्चों के अलावा आठवीं क्लास में पढ़ा रही टीचरों से भी सवाल जवाब किए। डीएम ने क्लास में बच्चों को पढ़ा रही एक महिला टीचर से अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो ठीक से पढ़ नहीं पाई, जिसके बाद डीएम ने उन्हें फटकार लगाते हुए तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, डीएम ने पास में खड़ी स्कूल की एक दूसरी महिला टीचर को भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो भी बहाने बनाने लगी। हालांकि डीएम के बोलने के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने टीचरों को उसी वक्त सस्पेंड नहीं किया और आदेश मिलने पर कार्रवाई करने की दलील दी। डीएम साहब ने शिक्षकों से भी कहा तो शिक्षकों को भी पढ़ने में असुविधा हो रही थी। इस पर डीएम साहब नाराज हुए, जो भी निर्देश आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा।